हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं किड्स फेवरेट ग्रेप्स पॉप्सिकल। बनाने में बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात तो यह है बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो फ्रेंड्स, आइए ग्रेप्स पॉप्सिकल बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रेप्स पॉप्सिकल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम ग्रेप्स, अच्छे से धो करके रखे हैं। अब इसको हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। ग्रेप्स को हमने जार में डाल दिया है। आधा कप हमने लिया है पानी, पानी भी हमने डाल दिया है। अभी तो ग्रेप्स का सीजन है और ग्रेप्स बहुत ही ज्यादा मीठे आ रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं यहाँ पे 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं, वो भी पॉप्सिकल आइसक्रीम, तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम मीठा डाल सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे छोटा आधा चम्मच काला नमक। सभी चीजों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हमने सभी चीजों को ग्राइंड कर लिया है, पर आप देखिए पॉप्सिकल आइसक्रीम वाला इसमें कलर नहीं आया है। कलर के लिए हम डाल देंगे इसमें ग्रीन फूड कलर। अगर आपके पास जेल फूड कलर है तो आप 2 ड्रॉप जेल फूड कलर की डाल सकते हैं, वरना आप 2 पिंच के आसपास ग्रीन फूड कलर लेकर के इसमें ऐड कर दीजिए। कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, जैसा भी आप ग्रीन कलर पसंद करते हैं, क्योंकि पॉप्सिकल आइसक्रीम के कलर बहुत ही ज्यादा डार्क और बहुत ही सुंदर होते हैं। आइए एक बार और ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम सारे मटेरियल को एक छलनी में इसे छान लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनने वाली है। और देखिए पूरी तरीके से नेचुरल है, बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। आप इसको जल्दी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से इसको छान लेंगे। देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से सारे मिक्स को छान लिया है और इसमें अंगूर साबुत भी नहीं है और रेशे भी बहुत ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा मिक्स बनके तैयार हुआ है। अब आप इसको जिस भी बर्तन में चाहें उसमें जमा सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरह से आइसक्रीम मोल्ड है तो आप इसमें जमा सकते हैं, या ऐसे वाला है तो इसमें भी जमा सकते हैं, और अगर आपके पास में आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से जो डिस्पोजेबल कप आते हैं इनको भी आप पॉप्सिकल आइसक्रीम बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर मीठा भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगता है तो और शुगर ऐड कर सकते हैं। देखिए बहुत ही शानदार हमारी ग्रेप्स पॉप्सिकल बनके तैयार होने वाली है और बहुत ही आसानी से हमने फटाफट से तैयार कर लिया है। अब हम जल्दी जल्दी इसको मोल्ड में भर देंगे और लगभग 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज कर लेंगे। देखिए हमने सभी मोल्ड बहुत अच्छी तरह से फिल कर लिए हैं। अब हम इस पर जिलेटिन लगा देंगे। अगर आपके पास जिलेटिन नहीं है तो आप फॉइल पेपर भी यूज में ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको जिलेटिन से अच्छी तरह से पैक कर दिया है। इसको थोड़ा सा टाइट करके लगाइए तो देखिए एकदम बहुत अच्छे से ये फिट हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे मोल्ड को कवर कर देंगे। अब हम एक नाइफ से हल्का सा कट लगा लेंगे। आइसक्रीम स्टिक ली है, इसको इस कट में इस तरह से अंदर डाल देंगे। ये देखिए ये पॉप्सिकल बनाने का सबसे आसान तरीका है। देखिए ग्रेप्स पॉप्सिकल बनाने के लिए हमारे सारे मोल्ड हमने फिल कर लिए हैं, आइसक्रीम स्टिक लगा करके इनको तैयार भी कर दिया है, रैप भी कर दिया है। अब हम इसको 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे फ्रीज होने के लिए। ओवरनाइट फ्रीजर में रखने के बाद में हमने सभी आइसक्रीम मोल्ड को बाहर निकाल लिया है। आइए चेक कर लेते हैं हमारी पॉप्सिकल आइसक्रीम कैसे बनके तैयार हुई है। देखिए बहुत बढ़िया बनके तैयार हुई है। थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे मोल्ड को ताकि हमारी जो पॉप्सिकल है वो आसानी से बाहर आ जाए। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इसी तरह से सभी मोल्ड्स में से आइसक्रीम को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनके हमारी तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।